नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12 फरवरी 2018 को पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर विभाग की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसके तहत पेंशन भोगियों को अब नई पेंशन मिलेगी। तो इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन लोग हैं जिनको नई पेंशन मिलेगी। दोस्तों देखिए, दोस्तों 12 फरवरी को पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की तरफ से निकाला गया ये ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें रूल 69 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत जो प्रोविजनल पेंशन सैंक्शन हुई थी, उसको अब रिवाइज करने के लिए आदेश जारी हुए हैं। दोस्तों सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंदर रूल 69 है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ मेंशन किया प्रोविजन पेंशन अवले ग्रेजुटी रूल नंबर 64, 66, 69। तो ये देखिए दोस्तों रूल नंबर 69। दोस्तों रूल नंबर 69 कहता है कि जिन केसेस में डिपार्टमेंट की या जुडिशियल कोई भी हियरिंग या कोई केस पेंडिंग है, उन केसेस में प्रोविजनल पेंशन दी जाती है। ये है दोस्तों रूल 69 के तहत। दोस्तों अब इस ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से इन कर्मचारियों की पेंशन भी दोनों मेथड से संशोधित की जाएगी। एक तो 6CPC में जो पेंशन बनती है उसको 2.57 फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिवाइज किया जाएगी, दूसरा नॉशनल पे फिक्सेशन के हिसाब से। दोस्तों दोनों मेथड से रिवाइज होने के बाद जिस मेथड से पेंशन ज़्यादा बनेगी वो पेंशन दी जाएगी अब इन कर्मचारियों को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।